हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देसलदान। मैंने इस साल सिविल सेवा परीक्षा 2017 में 82 रैंक हासिल किए। तो डेली नॉलेज ट्रैक पे इस वीडियो में हम ऐसे और पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे के लिखने के लिए क्या तैयारी करें, क्या पढ़ें, कैसे लिखें और क्या अपना पूरा एक स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और पर्सनालिटी टेस्ट को कैसे अप्रोच करें उसकी एक स्ट्रेटजी अपन अलग से डिस्कस करेंगे लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में। तो फर्स्ट अपन ऐसे के बारे में देखेंगे। तो ऐसे में इन जनरल एक पब्लिक परसेप्शन रहता है कि अपना ऐसे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आप लिख के आ जाओगे, तो ये गलत थिंकिंग है। जीएस में आप बहुत अच्छा स्कोर करते हुए भी हो सकता है ऐसे में बहुत लो स्कोर हो आपका, क्योंकि जीएस में आपके पास मटेरियल तो है, चीज़ें हैं, पर ऐसे लिखना अपने आप में एक वो सब्जेक्टिव राइटिंग है। जीएस में आप क्वेश्चन लिखते हैं 150 शब्द लिखते हैं, वहाँ पे 1500 शब्द का ऐसे लिखना होता है आपको। उसमें आपको एक कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए, एक लॉजिकल सीक्वेंसिंग दिखनी चाहिए। आप शुरुआत करते हैं और एंड तक एक फ्लो होता है किसी सब्जेक्टिव राइटिंग का, वो फ्लो होना चाहिए। आप उसमें तो जीएस के आंसर में तो आपने सिंपल इंट्रो दिया, फिर पॉइंट्स लिख के कंक्लूड कर दिया, पर ऐसे में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में आप शुरुआत करेंगे, इंट्रो में आप दिखाएंगे कि ऐसे पूरा किसके बारे में है, फिर उसको अच्छे से एलाबरेट करेंगे विद एग्जांपल्स, डेटा, जो भी आपके पास मटेरियल है उसको और अच्छे से एलाबरेट करेंगे, और एंड में फिर आप समराइज करेंगे या कंक्लूड करेंगे कि होल थिंग किसके बारे में और आपका फाइनल स्टैंड क्या है उस इश्यू पे। तो ऐसे लिखने के लिए आप जीएस का मटेरियल है वो तो काम आएगा ही, उसके अलावा आप थोड़ी सब्जेक्टिव राइटिंग पढ़ते रहें, मतलब कि आप ऐसे लिखा हुआ पढ़ें या आर्टिकल खुद पढ़ें। एक एनालिसिस होता है आर्टिकल का और एक पूरी लैंग्वेज को लास्ट से फर्स्ट से एंड तक पढ़ना होता है और योजना पढ़ें, तो उससे आर्टिकल्स लिखने की जो विधि है, कैसे अप्रोच करना है सब्जेक्टिव राइटिंग को, तो वो आपको पता चलेगा। उसको आप पढ़ेंगे तो एक ऐसे की जो पर्सपेक्टिव है वो क्रिएट होगा। दूसरा, आप पुराने लोगों ने जो ऐसे लिखे हैं, कई विजन पे और बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी मिल जाएगी, वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस टाइप से पढ़ना है। और ऐसे में लैंग्वेज का एक सिंपल रोल है कि एक कनेक्टिंग मीडियम के तौर पर, कि आप बहुत बड़ी ब्लंडर्स ना करें लैंग्वेज में, ग्रामर में। बाकी लैंग्वेज में बहुत भारी भरकम वोकेबलरी, बहुत फ्लेवरी फ्रेसेस, ईडियम्स, उसका कोई रोल नहीं है। आप कितनी भी बढ़िया इंग्लिश लिख दें, यदि आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है और एग्जामिनर को नहीं लगता है कि इट्स वर्थी ऑफ मार्क्स, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छे इंग्लिश में जिनके मतलब बी ए एम ए ऑनर्स कर रखा है उनके भी नहीं मार्क्स आते। तो ऐसे बहुत सब्जेक्टिव है, तो उसको आप उस तरीके से ही तैयार करें, उसको इग्नोर ना करें। ऐसे की तैयारी में आप साप्ताहिक तैयारी कर सकते हैं कि हर वीक आप एक ऐसे लिख सकते हैं, या उसको लिखने के पर्सपेक्टिव से उसके पॉइंट डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारे डायमेंशन पे सोच सकते हैं। कोई भी ऐसे का टॉपिक आया तो उसको आप किस तरीके से सोचेंगे, क्या डायमेंशन होंगे उसके। तो इस साल ऐसे चार चार ऐसे दो पार्ट में आते हैं, अब दो ऐसे लिखने होते हैं 125 मार्क्स के, 1000 से 1500 वर्ड लगभग उनकी वो वर्ड होती है। तो मैंने दो ऐसे लिखे। शुरुआत में पहले में मैंने चूज़ किया था नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि उसकी क्या रिलेवेंस रहेगी, अब क्या वो मतलब बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया या फिर उसकी अब भी रिलेवेंट है। तो उसको आप शुरुआत करें कि नाम है क्या, उसका क्या पर्सपेक्टिव था, आज तक उसका क्या वो हुआ है, मतलब आज़ादी के टाइम क्या रिलेवेंस थी जो अब नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, कि उस टाइम बाइपोलर वर्ल्ड था, फिर कोल्ड वार था, उसके लिए नाम की एक रिलेवेंस थी क्योंकि गरीब देश थे जो उस टाइम डिकॉलोनाइज हुए थे, तो अपने आप में अमेरिका या रूस के साथ खड़े नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने एक नॉन अलाइनमेंट की गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, उसमें इंडिया अपने आप में एक लीडर था। तो उसके बाद एक समय आता है, कोल्ड वार ख़त्म हो जाता है, रशिया अमेरिका का बाइपोलर की जगह एक मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट होता है, चाइना अपने आप में री इमर्ज होता है एक नया शक्तिशाली कंट्री के तौर पर, और आज 5-7 पावर है जो वर्ल्ड में एक मल्टी पोलर वर्ल्ड क्रिएट करती है। तो उस पर्सपेक्टिव में, और इंडिया की जो पोजीशन चेंज हो गई, इंडिया एक सोशलिस्ट रशियन मतलब जो अपना जो था लीनिंग टूवर्ड्स रशिया और सोशलिस्ट कंट्रीज, उससे निकल पे 1991 के रिफॉर्म्स, कोल्ड वार का ख़त्म होना, इंडिया का अमेरिका के पास जाना, और जो इंडिया की सैन्य और जो अपनी जो ताकत है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसका चेंज होना, और उस सब के क्या इफ़ेक्ट पड़े हैं नाम पे, वो उस सब को एक पर्सपेक्टिव डेवलप करके आपको ऐसे लिखना होता है। ऐसे में कोट्स, डेटा, जो ओपनिंग क्लोजिंग लाइंस, उसका काफ़ी महत्व रहता है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि क्रोनोलॉजी में कि इस इवेंट से इवेंट दर इवेंट नाम की रिलेवेंस कैसे कम होती चलेगी।
और एंड में ये भी बता सकते हैं आपकी नाम एज ए इंस्टीट्यूशन जो इंडिपेंडेंस के टाइम या 1958 में 6 में था, वो एज इट इज़ अभी रिलेवेंट नहीं है, पर जो व्यवस्था है नाम में जो लोग हैं, मोर देन 120 कंट्रीज हैं, तो उस पूरी व्यवस्था को अपन कैसे बढ़िया से यूज कर सकते हैं, जैसे एंटी टेररिज्म है, जो काउंटर टेररिज्म है, या फिर न्यूक्लियर डिकॉल वो है, डीन्यूक्लियराइजेशन है, और क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस है, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज है जहाँ पे इतने सारे कंट्रीज यदि एक सोच रखते हैं तो उस प्लेटफॉर्म को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव को भी आप लिखें। तो दोनों तरीके से लिखें और एंड में कंक्लूड करें, जिस जिस प्रकार से आपने लिखा है, फैक्ट दिए हैं, जो डेटा दिए हैं, जो पर्सपेक्टिव आपने रखा है ऐसे में, उस हिसाब से आप कंक्लूड कर सकते हैं। ईदर वे आप कंक्लूड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको नए नाम को रिलेवेंट बताया है इरिलेवेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि आपने उस राइटअप जो आपने लिखा है 1500 वर्ड में, उसमें कन्विंसिंग चीज़ें दी है कि वो आपका कंक्लूजन को सपोर्ट करती हो। तो पहला ऐसे मैंने इस पे लिखा था, सेकंड ऐसे आया था सोशल मीडिया इज एन इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम, कि जो सोशल मीडिया है वो इनहेरेंटली सेल्फिश है अपने आप में। तो उसकी शुरुआत मैंने स्टोरी से की थी, वो 2-4 दिन पहले ही एग्ज़ाम चल रहा था, उससे पहले एक स्टोरी आई थी अखबार में, उसमें स्टोरी ये थी कि आंध्र प्रदेश की किसी रोड पे दिन दहाड़े एक आदमी ने रेप कर दिया, पर उसको किसी ने रोका नहीं, पास में 10 लोगों ने उस चीज़ का वीडियो बनाया कंटेंट जनरेट करने के लिए कि हम वहाँ थे, इस जो क्राइम हुआ है उसके वो हमने कैप्चर किया है, पर उसको रोका नहीं है। तो ये दिखाता है कि मानवीय संवेदना की कमी और अपने आप में इतना इनहेरेंटली सेल्फिश होना, एक मशीन की तरह कार्य करना कि वो ये भी भूल जाए कि एक सामान्य मानव का कर्तव्य क्या होता है, कि एक अपराध हो रहा हो तो उसको रोकना है उसका कर्तव्य, ना कि उसका वीडियो बनाना या कंटेंट जनरेट करना। तो वहाँ से एक शुरुआत होती है, किसी कोट से, स्टोरी से, आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं, ऐसे का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें डालेंगे, एक नॉलेजेबल ऐसे से ज़्यादा ज़रूरी है इंटरेस्टिंग ऐसे, पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है उसको, इंटरेस्टिंग मतलब उसको लगना चाहिए कि इसको आगे पढ़ने में कुछ है, नहीं तो आप भी सोचें, एक बार आपको 1500 वर्ड के 100 ऐसे दिन में चेक करने हैं तो आप कैसे चेक करेंगे। तो उनकी भी अपनी एक मानवीय लिमिटेशन होती है ह्यूमैनिटी की क्या है, वो भी ऊपर नीचे पढ़ के और कर देंगे लीपा पोती। तो आप ये ध्यान रखें कि वो कैसे पढ़ेंगे, जैसे आपको इंटरेस्ट नहीं आता आप नहीं पढ़ते तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए उसको, वे ऑफ एक्सप्रेशन को, बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी, बड़े वर्ड्स, बड़ी वोकेबुलरी का कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल वर्ड्स में लिखें, पर जो स्टोरी है, क्वोट्स है, स्थिति है, कोई केस स्टडी है, उसको इस तरह से लिखें कि एक इम्पैक्टफुल लगे, वो कन्विंसिंग लगे अपने आप में। फिर सोशल मीडिया का जो आजकल चल रहा है, जैसे बॉट नेट्स का यूज करके अपने आप में लाइक बढ़वाना, और एक मतलब पूरा इनहेरेंटली सेल्फिश हो गया है कि आप किसी भी चीज़ को किसी भी हद तक, नैतिकता की कोई हद गिर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया में अपना प्रभाव दिखाएं, हो सकता है कि स्वयं में वो क्वालिटीज़ हो भी ना जो आपने प्रचार कर रखी है। तो एक पूरी एक सेल्फ इमेज क्रिएट होती है सोशल मीडिया पे, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो उससे आप निकलें। फिर अमेरिका के इलेक्शन में सोशल मीडिया का क्या यूज रहा, कैसे स्तर गिर गया है, जो मानवीय और जो नैतिकता की हदें होती हैं उसमें, लोकतांत्रिक प्रणाली में, फिर उस पूरे पर्सपेक्टिव को आप डेवलप करके ऐसे का राइटअप लिखें और लास्ट में ये कंक्लूजन भी दें कि सोशल मीडिया में हालांकि बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लोगों को जोड़ा है, कई जगह अच्छे काम भी हो रहे हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत सारी जगह सोशल मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहा है, जैसे बॉम्बे में पुलिसिंग में, यातायात में बहुत अच्छा रोल रहा है, ट्विटर वगैरह 40 लाख फॉलोअर्स के साथ बॉम्बे पुलिस का जो ट्विटर हैंडल है बहुत अच्छा काम करता है। तो उसको प्लस पॉइंट को दिखाते हुए आप ये रेखांकित करें कि इस ये इन इन चीज़ों से, इतने फैक्ट्स और इतने बेसिस पे ये कह सकते हैं कि वो इनहेरेंटली सेल्फिश है या नहीं है, इधर वे आप कंक्लूड कर सकते हैं, जो आपने उसमें कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स दिए उस पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि एक सब्जेक्टिव थिंकिंग, उसके बाद राइटिंग की प्रैक्टिस, यदि आपने 10-15 ऐसे लिख रखे हैं तो आप अच्छा ऐसे लिखेंगे नो डाउट। और दूसरी चीज़ है कि कोट्स और मटेरियल उसको कैसे यूटिलाइज करना है, आप लिखेंगे तब आपके दिमाग में वो चीज़ें आएगी, उस टाइम क्रैक करेगी, नहीं तो नहीं क्लिक करेगी। वो क्लिक करना उस पर डिपेंड करता है कि आपने उसको पहले सोच रखा है क्या, कभी प्रैक्टिस की है, या फिर 20 पॉइंट बना के आपने एक वे डायग्राम बनाया, चाहे ना लिखा हो ऐसे, फिर हर सप्ताह एक टॉपिक पर आपने वे डायग्राम बना के 20 पॉइंट्स जनरेट किए कि इस बेसिस पर आप ऐसे लिख सकते हैं।
तो ऐसे को इस तरह से अप्रोच करें, इग्नोर ना करें। जीएस का मटेरियल काफ़ी है, पर उसके अलावा सब्जेक्टिव राइटिंग और सब्जेक्टिव रीडिंग ज़रूरी है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। लैंग्वेज सिंपल हो पर वो लिंकिंग रहनी चाहिए, उसमें एक लॉजिकल फ्लो आना चाहिए कि एक नेचुरल फ्लो है लैंग्वेज में कि इस चीज़ से कड़ी जुड़ती हुई दिख रही है, तो ऐसे में आप बहुत अच्छा करेंगे। और उसमें इंटरेस्ट ले, खुद में लिखने में यदि इंटरेस्ट आएगा तो अपन ऐसे जीएस और पूरा यूपीएससी का जो सफ़र है वो अच्छे से निकलेगा। यदि आप उसमें रुचि लेंगे तो काफ़ी मुश्किल होता है सब्जेक्टिव राइटिंग करना, पर यदि आपको यूपीएससी पास करना है तो ये मुश्किल तो उठानी पड़ेगी। उसके लिए थोड़ी रुचि जनरेट होगी तो अपन आराम से कर पाएंगे। जैसा कि इंटरव्यू का नाम पर्सनालिटी टेस्ट लिखा है यूपीएससी ने, और आप यूपीएससी में पर्सनालिटी टेस्ट का भी सिलेबस है। कुछ लोगों को नहीं पता है कि पर्सनालिटी टेस्ट का क्या मतलब है। उसमें उन्होंने लिखा है कि यह पर्सनालिटी टेस्ट से क्या अर्थ है, तो नॉलेज का चेक नहीं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपने जो मेंस में लिखा है या फिर आप जो थिंकिंग है उसका बेटर कोऑर्डिनेशन है कि नहीं आपके पास, आपके पास सोच है, सॉल्यूशंस है, उसको आप अप्लाई कैसे करेंगे इन गिवन सिचुएशन। वो आपको सिचुएशन देंगे तो आप कैसे रेस्पॉन्स करेंगे। आपसे कोई भी आड़ा टेढ़ा सवाल करते हैं तो वो ये देखना चाहते हैं कि आपका रेस्पॉन्स क्या है। ये मैटर नहीं करता है आप सवाल का जवाब दें ना दें, नहीं में दें, हाँ में दें, और कैसे देते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूरे पर्सनालिटी टेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो कॉन्फिडेंस है। यदि आपको स्वयं पर विश्वास है, जो आपकी शैली है, जीने का तरीका है, व्यवस्था है, संस्कृति है, सभ्यता है, क्षेत्र है, राज्य है, भाषा है, जितनी भी आपकी पर्सनालिटी के फैसेट्स हैं, वेरियस डायमेंशंस, आपको यदि उस पर कॉन्फिडेंस है और आप अपने आप को उसमें अच्छा पाते हैं, आप में इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, हीनता नहीं है उसको लेके कि मेरी जो अपियरेंस है ऐसी है, मेरी भाषा ऐसी है, मैं बोलने में तो अच्छा नहीं बोलता, रुक के बोलता हूँ, धीमा बोलता हूँ, कैसा भी बोलते हैं आप, नेचुरलिटी है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिलेंगे और कई बार आपने सुने भी होंगे कि आप मैनिपुलेट कर सकते हैं बोर्ड को, यू कैन प्ले विद देम, ये वो, तो आप इसमें बहुत ही कम भरोसा रखें, क्योंकि आप 2 साल के बच्चे का यदि इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो आपके साथ क्या कर सकता है, इतना ही आप कर सकते हैं उनके साथ। उन्होंने 40-40 साल सर्विस की हुई है, वो अपने क्षेत्र में सबसे अच्छे धुरंधर है, वहाँ उन्होंने बैठा रखे हैं 5 लोग, बहुत समझते हैं, 20-30 साल का लड़का उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। तो आप सिंसियर रहें, ना है तो ना कहें, ना कहने का तरीका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको मानते हुए कि मुझे ये आना चाहिए पर अभी नहीं आ रहा है, तो वो अभी अपने आप में एक एज ऐड करता है कि आप मानते हो, अपनी गलती को मानते हो, स्वीकार करते हो और आगे सुधार का स्कोप भी रखते हो, ये एक ज़रूरी कॉलम होता है। दूसरी चीज़ आती है उसमें इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। आपको कोई सवाल पूछा जाए, आपको नहीं आता है, आपको पता नहीं आता है, उसके बावजूद कोई बंदा होता है ब्लफ करने की कोशिश करता है, गैस करता है, या फिर कुछ भी बोल के वो बताना चाहता है कि मेरे को आ रहा है, ये गलत है। आप, हो सकता है 10 में से 5 सवाल आपको नहीं आते हैं तो आप नहीं बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को सिविल सर्विस के इंटरव्यू में पूछा गया कि आप मैथ्स का इंस्टीट्यूट बताइए इंडिया में, तो मैथ्स का IMS इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, वो मेरे को पता था पर उस टाइम मेरे को याद नहीं आया वो है कहाँ, चेन्नई में है कि नहीं है, तो मैंने बोल दिया कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मैंने स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन जो है दिल्ली में उसका नाम बता दिया, तो उन्होंने बोला ये तो स्टेटिक्स का है, आप मैथ्स का बताओ, मैं बोल दिया मैथ्स का मुझे नहीं याद आ रहा। तो अब मैथ्स मेरा ऑप्शनल है, उसके बावजूद मेरे को मैथ्स का इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, उस टाइम नहीं याद आया तो नहीं याद आया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपका अप्रोच क्या है उसको जवाब करने का। उसमें उसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन एक तेलंगाना के मेंबर थे, उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन भागीरथ क्या है, उसके बारे में बताओ। अब वो रीजनल क्वेश्चन है पर नेशनल करंट अफेयर्स में था। अब मेरे को सिर्फ इतना पता था कि वो कुछ वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, डिटेल नहीं पता है, तो मैंने वही चीज़ बताई कि मेरे को ये वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसकी डिटेल नहीं पता है, I am sorry सर। तो अब वो एक्सेप्ट करते हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपको कितनी चीज़ें पता है, वो तो देख चुके हैं पहले, प्रीलिम्स में देख चुके हैं आपकी ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव राइटिंग आपकी वहाँ देख चुके हैं, नॉलेज देख चुके हैं, सब देख चुके हैं। अब तो वो देखना चाहते हैं कि आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है, आप कितने सिंसियर हो, आप कितने सत्यनिष्ठ हो, आप कितने फोर्थ कमिंग हो, आप कैसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट कैसे कन्वे करते हो इन ए मीटिंग, पब्लिक डीलिंग, गिवन ए सिचुएशन आप कैसे हैंडल करोगे, उसको वो देखना चाहते हैं। वो ये नहीं देखना चाहते आप आंसर कैसे देते हो, तो ये नंबरों का और आंसर का खेल बिल्कुल है नहीं। तीसरी चीज़, उसमें फॉरेस्ट का भी मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरे को पूछा कि आपने कभी गोडाउन को देखा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो अब वीडियो में और हर एक आदमी ने ही देख रखा है, मैक्सिमम 90% ऑफ जो बचे हुए गोडाउन है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं और मैं उस क्षेत्र से आता हूँ।
फिर भी मैंने उसको फिजिकली कभी देखा नहीं, तो मैंने यही बोला कि मैंने कभी नहीं देखा है, कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है देखने की। तो आप वहाँ ब्लफ भी कर सकते थे आपने, कि मैंने देखा है, क्यों आपने वीडियो में देखा है, तो क्या पूछेंगे, वो यही पूछेंगे उड़ सकता है नहीं उड़ सकता है, कितना बड़ा छोटा होता है, वो सब आपको पता है, फिर भी आप वहाँ ये बताओ कि मैंने नहीं देखा है। तो उससे आपकी एक सत्यनिष्ठा दिखती है, और जो इंटीग्रिटी है ना वो सिस्टम में बहुत मिसिंग है नहीं। सच बोलने वाले लोग तो वो चाहते हैं कि ऐसे लोग हो जो बिल्कुल नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, अपनी जो जन वो भावनाएं हैं उसको बिल्कुल एक्सप्रेस करते हो, कुछ छिपाने की, झूठ बोलने की, और अपने आप को होशियार बताने की कोशिश ना करते हो, तो उसका आप नेचुरली एडवांटेज मिलता है आपको। तो फॉरेस्ट के इंटरव्यू में भी 4-5 सवाल थे ऐसे, बिल्कुल सिंपल सवाल थे, फिर मेरे को नहीं आते थे तो मैंने बिल्कुल ना ना बोला। सिविल में भी बोला कुछ चीज़ों को ना, और कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए वो ट्रिक्स भी खेल सकते हैं, और मेरे साथ हुआ सिविल के इंटरव्यू में। तो मैं जैसे ही अंदर घुसा तो मेरे कोट पे एक लोगो लगा था कंपनी का, लुई फिलिप्स का, तो उन्होंने पूछ लिया ये क्या है, तो मैंने बता दिया सर ये लोगो है और हटाना था, मैं भूल गया। तो बोले आपको पता नहीं था या भूल गए, आप बता रहे हो, आप ब्रांडेड पहनते हो, आप तो हमें ब्रांड दिखा रहे हो, आपसे क्या पूछा है। मतलब शुरू के 2 मिनट वो फुल डराने के मूड में थे, कि मतलब देखते हैं कि जैसा बंदा कॉन्फिडेंट दिखता है इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं है उसमें। एक मेरे एक फ्रेंड है पिछले साल के, उनको पूछ लिया कि आप 29 का पहाड़ा बताओ, आपका तो मैथ्स ऑप्शनल है। तो ये सब पूछने का सिर्फ एक ही तरीका है, कि 6.5 मुर्गियाँ 6.5 मिनट में 6.5 अंडे देती हैं, तो 12 अंडे के लिए कितनी मुर्गियाँ चाहिए। ये सब सवाल इसीलिए पूछे जाते हैं कि आप रेस्पॉन्स क्या देते हो उसका, मतलब ना बोलते हो, हाँ बोलते हो, ब्लफ करते हो, कुछ भी बोलते हो, या बिल्कुल डर जाते हो। आपकी पर्सनालिटी उससे झलकती है कि आप प्रॉब्लम में ऐसी टेंस सिचुएशन में प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। तो मैंने वही बोल दिया कि सर ये हटाना होता था, मुझे इतना अनुभव है नहीं, पहली बार फॉर्मल पहन के जा रहा हूँ मैं, और मैं सॉरी हूँ बिल्कुल, आपको यदि कुछ व्यक्तिगत तौर पे चोट पहुँची है तो बस हो गया। उसके बाद वो एक सिंपल कोर्स ऑफ इंटरव्यू चल जाता है 2 मिनट में। अब वहाँ पे कोई बंदा यदि हड़बड़ा जाए, थोड़ा डर जाए, तो उससे एक झलकता है कि आप परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पा रहे अच्छे से, प्रेशर हैंडल करना आपके दिमाग में नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस रखें, अपना अपीयरेंस, लैंग्वेज, वैचारिक अभिव्यक्ति कैसी भी है नेचुरल होनी चाहिए, बनने की कोशिश ना करें। लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी कि ये कर दूंगा मैं कर दूंगा, कुछ ना करें, आप जैसे नेचुरल हैं वैसे ही रहें। कुछ जो फॉर्मल ग्रीटिंग्स वगैरह वो थोड़ा बहुत सीख लें, उसके अलावा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जेन्युइन हॉबी है उसको ही भरें, तो आप अच्छे से उसको कन्विंस कर पाएंगे, और सवाल कहीं से भी निकल सकते हैं। इंटरव्यू के एक सिंपल बायोडाटा और जो तैयारी होती है उसको कर लें, अपने बैकग्राउंड को अच्छे से, और सिंसियरिटी ज़रूर दिखाएं। आप बिल्कुल सिंसियरिटी बता लें कि यदि आपने नहीं पढ़ा है डिग्री के बारे में, बिल्कुल बता दें कि मेरे को अपने स्ट्रीम के बारे में नहीं जानकारी है। तो वो ये नहीं चाहते, वो ये नहीं देखना चाहते आपने BTech में या BA में या फिर BSc में क्या किया है। किया है आप सिंसियरली एक्सेप्ट कर लें कि मैंने जो भी किया है अच्छा या बुरा था वो कर दिया है, आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए इंटरव्यू देने पहुँच गया हूँ। तो वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। आपकी जो ओरिजिनलिटी है नेचुरली उसको बनाए रखें, और उससे डरने की और कॉन्फिडेंस कम करने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंस रखें और बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई वो नहीं है। इंटरव्यू पे फोकस ज़्यादा ना करें, फोकस मेंस पे करें, क्योंकि वो मार्क्स आपके हाथ में है। पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव, उसमें हो सकता है एक बंदे को 200 आए, अगली बार 150 आए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, मैक्सिमम फोकस आप रिटर्न पे करें, और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस और अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उसकी सिंपल अवेयरनेस के साथ सिंसियरिटी और इंटीग्रिटी का ध्यान रखें, तो आप सिंपल अबव एवरेज में सेल थ्रू कर जाएंगे। ओके, और ये आप देख रहे थे टेली नॉलेज ट्रैक पे पर्सनैलिटी टेस्ट और ऐसे की स्ट्रेटजी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि यह आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब द चैनल।